जय। इस स्थान का नाम है भांडिरवन जी मैया, जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। जी राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बनाया, तब ब्रह्मा जी ने शादी कराई। हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि ठाकुर जी का राधा रानी से विवाह नहीं हुआ है, इस ये तो आपके पास प्रमाण भी होंगे ना। हाँ, अब तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता ये सामने देखो, जो सामने रखा है जी। और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, हमारे शास्त्रों में इन चीजों का उल्लेख है, जब शास्त्र कह रहे हैं तो उस बात को हमें मानना भी चाहिए। जी माता जी, पक्की बात है ये जी, और मानना चाहिए। तो ठाकुर जी को राधा रानी ने अपने बराबर किया। हाँ, राधा रानी बड़ी थी जी, और कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बनाया, तब ब्रह्मा जी ने यहाँ विवाह कराया जी। मैं देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, ये ऐसी पहली मूर्ति हम देख रहे हैं ठाकुर जी की। यहाँ बंसी नहीं है ठाकुर जी के हाथ में, वही हम देख रहे हैं, ना ही लड्डू है, केवल राधा रानी की मांग में चुटकी लेके सिंदूर भरते हुए। जय हो, जय हो। जो कि पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में दर्शन नहीं है। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसा दर्शन नहीं है। माता जी कह रही है, माता जी आप पूजा पाठ, आपकी तो परंपरा चली आ रही है पूजा करने की, पीढ़ियां निकल गई हमारी, तो पीढ़ी दर पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ी दर पीढ़ी निकलती चली गई केवल भगवान की, ठाकुर जी की सेवा में। तो माता जी बता रही है कि पूरे विश्व में ऐसी मूर्ति कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिली। जी माता, जो भांडिरवन में ना तो लड्डू है, ना ही बंसी है, ना ही बंसी है। आप कभी आओ तो बस पूनम माताजी के नाम से पूछ लेना किसी से, या मैं नंबर बता देती हूँ 9897243489 जी, इस नंबर पे फोन करके तभी भांडिरवन दर्शन करने आए। बहुत सुंदर भाई, और भांडिरवन के और कुछ लीलाएं होंगी ना। हाँ, जैसे कुआ है, कुआ के बारे में, कुआ है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था जी। बक्षासुर नाम का राक्षस था जी, भगवान गाय चरा रहे थे तो उनमें आके मिल गया बछड़े का रूप धारण करके, ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो सब गोपाल बोले कि तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, दोषी हो, तुमने गौ हत्या कर दी। कि मैं क्यों गौ हत्यारा हूँ, मैंने तो एक राक्षस का उद्धार किया है, कि था तो वो गाय के रूप में, कि अब क्या करना चाहिए, कि इसके पश्चात आपके लिए सभी तीर्थों में जाओ और स्नान करके आओ। तो पहले भांडिरवन में होकर जमुना जी बहती थी। अच्छा, यहाँ से लग के जमुना जी बहती थी। हाँ, जय हो। तो भगवान बोले मैं यही बुला रहा हूँ, सारे तीर्थों में स्नान करके आऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, तुम्हारे सामने ही यहाँ कुआ प्रकट करता हूँ। तो भगवान ने बंसी से कुइया खोदी और उसमें खड़े हो गए। अच्छा जी। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए, भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर दिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज्यादा दोषी आप हैं, क्योंकि मैंने गौ हत्या की, आपने देखी नहीं थी क्या, तो पाप करने वाले से देखने वाले को और ज्यादा होता है, ज्यादा पाप लगता है। बोले हमें क्या करना चाहिए कि मेरे नहाने धोने का जो पानी जा रहा है उसमें तुम स्नान करो। अच्छा। ठाकुर जी का जो स्नान का नहाने धोने वाला पानी जा रहा था, उनमें ग्वाल बालों ने स्नान किया था, उन कुंडियों में आज ऐसी माताएं मैंने स्नान करती है जिनके बच्चे नहीं होते, लड़की लड़की होती है, गर्भ खंडित हो जाते हैं, उसमें स्नान करने से मेरी राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी। जय हो। बोलो राधा रानी की जय हो, जय हो, जय। सोमवती अमावस वाले दिन इस कुएं में दूध की धार निकलती है, बिल्कुल दूध जैसा जल। आज भी पानी का कलर बदल जाता है, जैसे दूध के बर्तन को धुल के करती है, इस तरीके का हो जाता है। जी जी, बहुत सुंदर। तीसरा पॉइंट है, यहाँ कन्हैया ने ब्रजवासियों से मांग के छाछ पिया है जी, उसके बदले में गौ सेवा करते हैं, बहुत सी माताएं मैंने गौ दान करना चाहती है, तो संपर्क कर ले दर्शकों। बहुत के नाम से बहुत अच्छी महिमा। चौथा पॉइंट है जी भैया, बताइए बताइए। यहाँ आते वही लोग हैं जिसमें मेरी लाडली की कृपा होती है, बिना राधा रानी की कृपा के यहाँ कोई नहीं आता। वृंदावन तो हर कोई पहुँच जाता है, 10 बार वृंदावन आ जाओगे तब एक बार भांडिरवन आने का मौका मिलेगा। दर्शकों, बहुत अच्छी बात, लाडली कृपा करेगी तब। यहाँ तो वही आएंगे जो इनके साथ इनके विवाह में उपस्थित थे, जिस समय शादी हो रही थी उस समय आप लोग थे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में। यहाँ तो मेरी लाडली की कृपा होगी, 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडिरवन में आपको दर्शन के लिए बुलाया। बोलो राधा रानी की जय हो। दर्शकों, ये सुंदर वीडियो बनाने का केवल एक ही हमारा मकसद था, माता ने इतनी कृपा इसलिए कर दी क्योंकि ये दास यात्रा लेकर के आता है, तो माता कहने बोली मैंने आपका चेहरा पहचाना हुआ ऐसा लग रहा है, तो माता से चर्चा हुई
और माता ने इतने सुंदर ढंग से हमें कैमरा अलाउ कर दिया कि इतने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए। और माता पूनम मैया के नाम से विख्यात है, अच्छे से लोग सब जानते भी हैं, और कभी भी आप आइए, नंबर भी आपको दे दिया गया है, तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ वृंदावन तो 10 बार आप आओगे, और एक बार भांडीवन आ जाओ तब भी अपने आप को बड़ा किस्मत वाला आप समझिएगा, समझिएगा राधा रानी आपको बुला रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा